मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे, खबर जालौन उरई से। अब जरूरी नहीं कि सिजेरियन के लिए मुख्यालय या प्राइवेट अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि शासन के निर्देशन में अब जनपद में ही सीएचसी में सिजेरियन प्रसव संभव हो गया है, जिसकी सुविधा उपलब्ध हो गई है। जिसके लिए 4 सीएचसी कोच काल्पी जालौन माधोगढ़ में अब सिजेरियन की सुविधा के लिए 4 स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिक तैनात किए गए, जिसकी जानकारी सीएमओ जालौन एनडी शर्मा ने आज दी। उन्होंने कहा कि एफआरयू की क्रियाशीलता से समुदाय की गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवाएं देने से मातृ मृत्यु में कमी लाई जा सकती है। इस रणनीति के अंतर्गत जनपद की समस्त प्रथम संदर्भन इकाइयों को क्रियाशील करने के लिए विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। प्रथम संदर्भन इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोंच काल्पी माधोगढ़ जालौन में सिजेरियन प्रसव की सुविधा जन समुदाय को प्रथम संदर्भन इकाई द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अप्रैल से अब तक हो चुकी है 30 सिजेरियन प्रसव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक कुल 30 सिजेरियन प्रसव स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिक, जिनमें की डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर विनोद राजपूत और सीएचसी कोच जो कि साल भर से क्रियाशील नहीं था, अब वहां डॉक्टर रीता गौतम और डॉक्टर रामकरण सिंह गौर की तैनाती कर दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काल्पी में डॉक्टर रूबी सिंह तथा डॉक्टर विशाल सचान एनेस्थेटिक द्वारा सिजेरियन प्रसव कराए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ में डॉक्टर पूजा राजपूत तथा डॉक्टर कुलदीप राजपूत द्वारा सिजेरियन प्रसव कराए जा रहे हैं। साथ ही सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई है। बची अन्य सीएचसी के लिए शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर प्रेम प्रताप सिंह ने बताया कि हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराया गया और ग्रामीण क्षेत्र का दौरा की जन समुदाय को सिजेरियन प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रियाशील किए जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से आदेश प्राप्त होते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा भी क्रियाशील कर दिया जाएगा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनडी शर्मा ने जन समुदाय से अपील की कि अब जनपद में सिजेरियन प्रसव हेतु क्रियाशील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच काल्पी जालौन माधोगढ़ में उक्त सुविधा का लाभ उठाएं व उक्त केंद्रों पर अब सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। है कि ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराने में छोटी छोटी कमी असुविधा होती है, उसके लिए आपके द्वारा क्या निदान किया जाएगा? इसके लिए देखो, सबसे बड़ा फोकस हमारा ये रहता है कि जो जिस जगह का मरीज है उसका वहीं पे हो जाए। दूसरा, टीम हमारी कुशलता से उसको कार्य को करे, पूरा जो है सब ओटी वगैरह जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहे, दवाई वगैरह निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए शासन से हमको बजट मिलता है, जो वहीं को हम उन्हीं इकाइयों को दे देते हैं, वो लोग अपना अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकते हैं। कोई कमी पड़ती है तो हम लोग भी यहाँ से उनको उपलब्ध कराते हैं, और कोई जब टीम अच्छी है, दवाई सब उपलब्ध हैं, तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बॉस, कभी कभी देखा जाता है बॉस की कोच, एक सामुदायिक क्षेत्र है कोच में अधिकतर शिकायतें मिलती हैं कि ऑपरेशन के नाम पे या किसी को महिला जो प्रसव से पीड़ित होती है उसको रेफर कर दिया जाता है। ये तो, यही तो अब किया मैंने माननीयवर, कोच में अब हो जाएगा तो ऑपरेशन के नाम पे रेफरल बंद हो जाएगा, कोच में ही उपलब्ध होगी सुविधा। यदि करना है तो करिए वहीं ऑपरेशन। अपनी 4 तहसीलों में अगर उपलब्ध हो गई सुविधा और 5वीं उरई हो गई, ठीक है? ठीक। रुकिए, क्या आप आज भी एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर व बैनर जैसे पुराने तरीके यूज करते हैं? अरे भाई, डिजिटल का है जमाना, फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर क्यों लगाना? अब अपनी दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर या अपने बिजनेस का इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट करवाएं और पहुंचाएं अपने आसपास के लोगों तक बड़ी आसानी से, वो भी उनके फोन की स्क्रीन पर। और हाँ, ये सस्ता और ज्यादा इफेक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉन्टेक्ट करें। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।